अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के अबाउट। नासा अब इस्लामाबाद और गुजरांवाला में दो रोज़ा इंटरनेशनल स्पेस एप चैलेंज का इनकार करेगा। पिछले साल के नासा स्पेस एप चैलेंज के कामयाब इनकार के बाद इस साल नासा इसी चैलेंज को लेकर वापस पाकिस्तान आ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस एप चैलेंज एक दो रोज़ा हैथाथन यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मैराथन है, जिसका मकसद काबिल ज़हीन रज़ाकार डेवलपर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स, डिज़ाइनर्स और ऐसे तमाम अफराद को सामने लाना है जो दुनिया बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। ये इवेंट हर किसी के लिए ओपन है। पाकिस्तान के अजीम दिमाग, ज़बरदस्त आइडियाज़ रखने वाले इंजीनियर्स, साइंसदान, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, मुसन्नफ, मौजद और एंटरप्रेन्योर्स इस इवेंट में शरीक हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए 5 थीम्स में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद नासा स्पेस एप्स इस्लामाबाद इसकी मेज़बान है। इस इवेंट के शरीक मुंतज़मीन में राह करम भी शामिल हैं और इसके जुज़वी तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर से भी इसकी मदद ली गई है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए वालों के लिए 5 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। पहली कैटेगरीज है दी अर्थ एंड अस, दूसरी कैटेगरीज है प्लानटरी ब्लूज, तीसरी कैटेगरीज है वार्निंग डेंजर एहेड, चौथी कैटेगरीज है आवर इकोलॉजिकल नेबरहुड, पांचवी कैटेगरीज है वो है आई डीड एंड क्रिएट। और इन व्यूअर्स, इस इवेंट का आगाज़ 29 अप्रैल को सुबह 8 बजे और इख्तिताम 30 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। व्यूअर्स, अगर आप में से कोई शख्स इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आपने इस इवेंट में शरीक होना है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।